ये वही शख्स है जिसने 5 लोगों की हत्या की है ताबड़तोड़ प्रहार करके, और उसके बाद 5 लोगों की हत्या करने के बाद खुद मौत को गले लगा लेता है। आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि उस 3 दिन पहले उस घर में अपने मायके आई बेटी को भी उसने नहीं छोड़ा? आखिर क्या वजह रही होगी कि उस बेटी के बेटे को भी उसने नहीं छोड़ा? पूरा घर लहूलुहान पड़ा हुआ था, सामान बिखरे पड़े हुए थे। वो 4 साल का बेटा अपने माँ के पास लेटा हुआ था, उसका शव पड़ा हुआ था। एक तरफा प्यार का अंजाम कितना बुरा होता है आज आपको इस कहानी में देखने और सुनने को मिलेगी, क्योंकि एक शख्स जो एक तरफा प्यार करता था एक लड़की से जिससे उसकी शादी नहीं हुई, वो लड़की उसकी नहीं हुई, उसके बाद शादी के 5 साल बाद उसके पूरे परिवार को वो खत्म कर देता है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के पास एक गाँव है थरगांव, सलिया थाना के पास में ये गाँव है, और रात 12 बजे इस गाँव में साहू परिवार में मौत का तांडव रचा गया, मौत का खेल खेला गया। परिवार में उस घर में जो भी दिखा उस पर ताबड़तोड़ प्रहार किया मनोज साहू उर्फ पप्पू टेलर ने। पुलिस की प्रारंभिक जांच में बात सामने आई है, आरोपी मनोज साहू हेमलाल साहू का पड़ोसी था और रात में अपने पड़ोसी होने का फायदा उठाते हुए तत्काल घर में घुसा, और घर में घुसने के बाद उसने 5 पर टंगिया से वार किया। इससे पहले भी वो इस तरह की हरकत कर चुका है, यानी कि इस तरह का विवाद कर चुका है, लेकिन इस बार उसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। ये वही शख्स है जिसने 5 लोगों की हत्या की है ताबड़तोड़ प्रहार करके, और उसके बाद 5 लोगों की हत्या करने के बाद खुद मौत को गले लगा लेता है। अब बड़ा सवाल यह है कि मारने वाला तो मार दिया, जिसकी हत्या करनी थी वो खुद मौत को गले लगा लिया, तो वजह क्या रही होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और रात से लेकर सुबह तक इस पर लगातार चर्चा होती रही, पूरे छत्तीसगढ़ में इस पर बातें होती रही कि आखिर 5 लोगों की हत्या करने के बाद हत्यारा खुद क्यों फांसी पर झूल गया? आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि उस 3 दिन पहले उस घर में अपने मायके आई बेटी को भी उसने नहीं छोड़ा? आखिर क्या वजह रही होगी कि उस बेटी के बेटे को भी उसने नहीं छोड़ा? यानी कि आप समझ सकते हैं कि घर में जो भी मिला सब पर उसने प्रहार किया और सबको मौत के घाट उतारा, और सबको मारने के बाद ही वो खुद मौत को गले लगा लिया। पूरी कहानी आपको विस्तार से बताऊंगा, और इससे पहले मैंने जो कहा कि एक तरफा प्यार का अंजाम कितना बुरा होता है, लोग एक तरफा प्यार में इतने पागल हो जाते हैं कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता, तो इस कहानी को भी आप समझिएगा कि कितना बड़ा साइको किलर रहा होगा मनोज साहू उर्फ पप्पू टेलर, जिसने 5 लोगों की हत्या कर दी। आज सुबह सरपंच, कोतवाल और पुलिस की टीम जब उस घर में पहुंची साहू परिवार में, हेमलाल साहू जिसकी हत्या हुई है, जगपति साहू उसकी पत्नी, मीरा साहू जो हाल में 3 दिन पहले अपने मायके आई थी अपने बेटे के साथ में, मीरा की बहन ममता जो मंदबुद्धि है, इसके अलावा 4 साल का बेटा भी जो मीरा का बेटा है, ये 5 उस घर में थे। और इस घर में एक शख्स नहीं था जो बिजली कंपनी में कर्मचारी है, डाटा बिजली ऑपरेटर है, और वो नाइट ड्यूटी गया हुआ था और इसीलिए उसकी जान बच गई। शायद नहीं तो अगर वो भी होता उस घर में तो उसकी भी हत्या आज खबर में सुना रहा होता। पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं कि जब पुलिस की टीम, सरपंच अपने साथ और कोतवाल, जब गाँव के लोग अंदर पहुँचे तो जो मंजर उन्होंने देखा वो हैरान करने वाला था। सबकी जुबान से एक ही शब्द था कि आखिर इतना भयानक हत्या क्यों, आखिर 5 लोगों की जान क्यों ले ली। ये तमाम सवाल लगातार उठ रहे थे, क्योंकि कमरे का जो सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ था उससे लग रहा था कि रात में काफ़ी संघर्ष हुआ होगा, दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ होगा। जिस वक्त मनोज साहू ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा था उस वक्त घर के बाकी सदस्य बचाने की कोशिश में लगे रहे होंगे, लेकिन मनोज ने किसी को नहीं छोड़ा, सबको कुल्हाड़ी से जो सामान था उससे उसने ताबड़तोड़ प्रहार किया और हत्या कर दिया।
माँ और बेटे की दोनों एक जगह पर लाश पड़ी हुई थी। जब वो वीडियो हम दिखा नहीं सकते आपको, लेकिन हम वीडियो को देखें, उस वीडियो को देखने के बाद पूरा घर लहूलुहान पड़ा हुआ था, सामान बिखरे पड़े हुए थे। वो 4 साल का बेटा अपने माँ के पास लेटा हुआ था, उसका शव पड़ा हुआ था। बाकी इसके अलावा जिस कमरे में मीरा की मौत हुई है, मीरा की हत्या हुई है, उसी कमरे के बगल में मनोज साहू ने भी खुदकुशी की है। अब आपके मन में सवाल होगा कि मैं बार बार मीरा साहू का जिक्र क्यों कर रहा हूं और मनोज साहू का कनेक्शन क्या है इस केस में। मीरा साहू के बारे में आपको बता दूं कि आज से 4 साल पहले, जैसे बताया गया कि पुलिस के अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी सामने आई है कि 4 साल पहले जो है मीरा साहू की शादी रायकोना गाँव सरसीवा के पास ही गाँव है वहाँ होती है। और ये भी जानकारी सामने आई है कि मनोज साहू जो है मीरा से एक तरफा प्यार करता था, एक तरफा मोहब्बत करता था और उसे शादी करना चाहता था, लेकिन मीरा साहू कभी उसे पसंद नहीं की और ना ही मीरा साहू की ओर से उसकी ओर इजहार था। मीरा साहू शादी करके अपने ससुराल चली गई और ससुराल जाने के बाद संपन्न परिवार, खुशी परिवार वो व्यतीत करने लगी। और आज से 3 साल पहले की चर्चा है कि ऐसे 3 साल पहले भी मनोज साहू ने विवाद किया था, उस वक्त भी पुलिस केस दर्ज किया गया था और विवाद के बाद घर वाले जो है उसे समझाइश भी दिए थे, पुलिस ने भी समझाया था उसे, जो है उसके खिलाफ़ कार्रवाई भी की गई थी, कानूनी कार्रवाई। लेकिन 4 साल बाद भी मनोज साहू के अंदर वो आग थी जिसे शायद वो बुझा नहीं पाया था। मनोज साहू को लगता था कि मीरा उसकी नहीं हो पाई तो किसी की नहीं होनी चाहिए और इसीलिए मीरा साहू के पूरे परिवार को उसने ख़त्म कर दिया। मीरा साहू अपने छोटे भाई की शादी की तैयारी में आई हुई थी, 3 दिन पहले ही मायके आई थी अपने बेटे को लेकर। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, शादी की तैयारी चल रही थी, आज क्या कुछ करना है उसकी बातें चल रही थी। रात को तकरीबन 11:30-12 के आसपास मनोज साहू उस घर में पहुंचता है कुल्हाड़ी लेकर और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ एक के ऊपर प्रहार, एक के बाद एक प्रहार करता है और 5 लोगों को मारने के बाद खुद फांसी के फंदे पर झूल जाता है। अभी तक ये प्रारंभिक जानकारी है, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। चूंकि वहाँ के थाना प्रभारी, SDOP, तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुँचे हुए थे और हर एंगल से पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात को मनोज साहू ने अंजाम क्यों दिया, आखिर कोई और वजह तो नहीं है। लेकिन यही बड़ी वजह सामने आई है कि एक तरफा प्यार करता था मीरा साहू से, ऐसी जानकारी अभी तक सामने आई है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे, कुछ न्यूज़ में ये भी आ रही थी कि मीरा साहू की छोटी बहन के साथ में, मीरा साहू की छोटी बहन को जो है मनोज पसंद करता था, उसकी शादी कहीं और तय हो गई थी। लेकिन जो हमारे स्थानीय संवाददाता हमारे साथी हैं जिन्होंने बताई है घटना के बारे में, उन परिवार वालों से बातचीत करके कि मीरा साहू को एक तरफा प्यार मनोज साहू करता था और इसीलिए उसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इस संबंध में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं आप आगे वीडियो देखिएगा और इसका अपडेट हम आपको दूसरे वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर एक्चुअल वजह क्या सामने आई है ये भी हम बताने की कोशिश करेंगे। इन लोगों का, दोनों का विवाद था पहले से, वो जो प्रेम संबंध में, मतलब लड़का जो एक तरफा प्यार कर रहा था ना, तो लड़की ये की तो कुछ, मतलब ये की होगी तो उसने एक रोज हसिया से वार किया था पहले। हाँ पहले, फिर क्या हुआ था? हाँ उसके बाद उसका रिपोर्ट किए थाने में, तो उसका जो केस चल रहा था उसे मैं जब्ती किया ना हथियार को और खून से सने कपड़े को। हाँ उसका मैं जब्ती का गवाह था, घटना से मैं अनजान हो गई इसमें, इसीलिए तो मतलब फिर हमला किया था ना। ये घटना करीब रात की है, इसमें हमें जो है सूचना करीब 10-12 बजे मिली है, उसके बाद हमने तत्काल जो है FSL टीम से कांटेक्ट करके उसको रवाना किया है यहाँ के लिए, फिंगरप्रिंट टीम को भी रवाना किया और हम लोग पुलिस टीम मौके पर तत्काल पहुँची, घटना को, सीन ऑफ क्राइम को पूरा हमने सिक्योर किया सारे एविडेंस के लिए। उसके बाद हमने जितने भी FSL टीम के बाद सूक्ष्मता से जितने भी शव मिले थे उन सब की जांच करवाई है, जिसमें जो है धारदार हथियार से हमला करने का जो है इंजरी मार्क्स मिला है। अलग अलग कमरे में शव हैं, जैसे एक मृतक है मेल बॉडी जो है वो आंगन में है, फिर 2 फीमेल की बॉडी अलग अलग दूसरे रूम्स में है और एक तीसरे रूम में एक और फीमेल की बॉडी है जिसके साथ एक बच्चे की भी हमको बॉडी मिली है, जिसमें सब में जो है धारदार हथियार से हमला हुआ है। घर के जो पिछला हिस्सा है उसमें एक जो बॉडी हमको हैंगिंग अवस्था में मिली है और उसके कुछ ही बगल में जो है एक एक्स मिला है जिसमें ब्लड के निशान हैं। बाकी सारे जो दरवाजे हैं आगे पीछे के सब बंद थे और जो एक आंगन से आने जाने का रास्ता, जो बाउंड्री वॉल थी, तो ये जो आरोपी है ये आंगन से ही घुसा और इसने सबकी जो है हत्या की। इसका कारण मुख्यतः ये है कि 2017 में जो है इन घर के ही एक महिला ने इन पे FIR करवाया था जिसमें घर पे घुस के मारपीट करने का FIR दर्ज था।
इसमें ये आरोपी जो है मनोज, ये जेल भी गए थे और इसके बाद इनका ट्रायल भी चल रहा था और इसी रंजिश में आकर इन्होंने सभी ये प्रेम प्रसंग का भी मामला सामने आ रहा है। अभी हमारे पास जो तथ्यात्मक जानकारी है वो यही जो हमने 2017 में जो FIR दर्ज हुआ है और उसमें जो ट्रायल चल रहा है तथ्यात्मक जानकारी अभी एविडेंस तो अभी यही है जो रंजिश का कारण जो मुख्यतः समझ में आ रहा है। बाकी अभी APM होगा और जो भी जो टेक्निकल एविडेंस है, फॉरेंसिक एविडेंस है, सब हम अच्छे से इसको कलेक्ट करा रहे हैं जिससे कि चीज़ें जो है कोरोबरेट होंगी जो हमें सुरक्षा के लिए हम लगातार जो है गांव में पेट्रोलिंग करेंगे। कुछ भी ऐसा घटना हो ये गांव में जो है हम अपने पुलिस मित्र बनाएंगे जिससे तत्काल हमको कोई जानकारी मिले और ऐसी जो प्रीवियस क्राइम्स है उसको भी हम बराबर चेक करेंगे प्रीवियस रिकॉर्ड जिसके खिलाफ। अभी कितने पुलिस बल तैनात है? अभी मल्टीपल थानों से विलायगढ़ से भी बल आया हुआ है और यहाँ सलीहा का भी बल आया हुआ है और सभी मिलके इसमें जांच कर रहे हैं। सर, प्राथमिक रूप से देखा जाए तो यहाँ पे जो आरोपी है वो भी फांसी के फंदे पे लटका हुआ मिला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आरोपी को भी मार के लटका दिया गया, इस तरीके कोई भी पर्दे पे तो नहीं है कोई इस चीज़ को ही हम क्लियर करने के लिए हमने पूरे समय लिया और सभी एविडेंसेस को हमने कलेक्ट किया है और ऐसा कुछ भी जानकारी में नहीं आया है क्योंकि सारे दरवाजे भी बंद थे और जो आने जाने का रास्ता था वो एक ही था और उसमें वहीं जो मृतक है जो फांसी पे लटका है वो दो घर दूर ही उसका घर था और उसके आने जाने का रास्ता उधर से ही। सर, आरोपी ने किस चीज़ से घटना अंजाम दिया? एक टांगी है जो उसके लाश के बगल में ही बरामद हुआ, इसमें ब्लड मार्क्स भी हैं, उन सबको हम कलेक्ट करके FSL में भेजेंगे और प्रॉपर उसका रिपोर्ट में हम फिर चलाएंगे। सर, आरोपी के शरीर पे कुछ चोट के निशान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया है और अभी उसको FSL टीम